तो भाई साहब क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में मस्ती मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज है तारीख 27 जुलाई 2023 और रात के 8 बज रहे हैं। बेसिकली अभी मैं प्लान से आया ही हूँ भाई साहब। अब दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि अब मुझसे अकाउंट्स मांगे जा रहे हैं। इसके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बेसिकली आज मेरी बात हो रही थी एक इंडस बैंक के स्टाफ से, तो वो कह रहे थे, वो शायद ऑपरेशन में थे, पता नहीं वो सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, आप इस बात को कंफर्म करना। अगर आप ऑपरेशन में हो या इंडस बैंक में काम कर रहे हो या कुछ करना, तो आप सिर्फ इस बात को कंफर्म करना कि वो सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। कुछ कभी होता रहे कि लोग झूठ बोलते हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको ये करने के लिए। तो वो कह रहे थे कि उनका टारगेट है 2 लाख रुपया का अकाउंट खोलने का। हमारा तो इसकी टारगेट है कि हमारे पास जो है वो 12,000-16,000 का जो अकाउंट रहता है वो खोल भी सकते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि उनका टारगेट है 2 लाख रुपया का अकाउंट खोलने का और उसमें 1 लाख रुपया मेंटेन कराने का। तो ये चीज़, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बेसिकली हमारा टारगेट ही नहीं पूरा हो पा रहा है, 16,000 का अकाउंट ही नहीं खुल पा रहा है हमसे। फिर लोग अकाउंट खोल रहे हैं, लोग ऐसा नहीं कि अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, लोग अकाउंट खोल रहे हैं और जो एम्प्लॉई है वो अकाउंट खोल रहे हैं क्योंकि वो साल भर 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, तो उनका कुछ बेस बन गया है, कुछ कस्टमर बन गया है, तो वो अकाउंट खोल पा रहे हैं। लेकिन बेसिकली अपनी बात करूँ तो बेसिकली मेरे 3 महीने हो गए हैं और मैंने अभी तक एक भी अकाउंट नहीं खोला है। कुछ लीड्स हैं, कुछ फॉलोअप्स हैं जो कि आजकल हो रहे हैं भाई। एक कस्टमर जो है ना भाई, क्या बोलूँ, जो सी बोलते हैं वो सी है भाई। खुलवाना है तो खुलाओ, अदरवाइज मत खुलाओ। खुलवाना है, आजकल परसों कर रहे हैं, अकाउंट नहीं खुल रहे हैं। और वो होता है ना कि भाई मीटिंग होती हैं, अपने बॉस के बॉस से मीटिंग करो, वहाँ पे जाना होता है, वो आपको ये करते हैं, तो अब दिक्कत होना शुरू हो गया है। और हो सकता है तो अब शायद समय पुड़ गया हुआ है एक्सिस बैंक में। अब 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना काफ़ी है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसा ही है। इसके बाद लगता है कि अब एक्सिस बैंक को अलविदा कहने का समय आ गया है। अब सर्वाइव करना लगता है मुश्किल हो रहा है, अकाउंट्स खुल नहीं रहे हैं भाई। 16,000-12,000 रुपये का अकाउंट खुलना मुश्किल हो रहा है। मार्केट में जाते हैं लोग कहते हैं पैसा ही नहीं है। अकाउंट खुलवाने को तैयार हैं लेकिन वो जीरो वाला अकाउंट खुलवाने को तैयार हैं। 12,000-16,000-25,000-75,000 लाख रुपये देने को तैयार नहीं है। जीरो वाला अकाउंट चाहिए भाई, सबको चाहिए अकाउंट, लेकिन भाई जीरो वाला अकाउंट चाहिए, सबको अकाउंट चाहिए, जीरो वाला अकाउंट चाहिए। बेसिकली बात है हमारे, आज से 5-6 दिन पहले की बात है कि बाढ़ आ गई है ना यमुना में, जो बाढ़ आ गई थी यमुना की वजह से, जो तो हम लोग गए थे एक कैंप में, एक कैंप लगा था, जो भी बाढ़ पीड़ित है उनका अकाउंट खोलना था। बेसिकली उनके पास खाने को पैसा नहीं, उनके पास रहने को पैसा नहीं, उनको सर्वाइव करने को पैसा नहीं, और हमें भेजा गया था उनको उनका अकाउंट खोलने। भाई अकाउंट पता नहीं, समझ नहीं आता, अच्छा होता नहीं कुछ से। ये है तो अकाउंट, इसकी कंक्लूज़न ये है कि अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, अब जाने की नौबत आ गई है, अब एक्सिस बैंक को अलविदा कहने की नौबत आ गई है। बस सिंपल सा यही फार्मूला है, समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं, मुझे तो सिंपल सा लग रहा है, मेरा सिंपल सा है ये कि इसके लिए मैं कन्फ्यूज़ हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। अब मुझे जॉब करने का मन ही नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या ही करूँ। आँख के सामने अंधेरा छा रहा है। लाइफ आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत ईजी है लाइफ जीना, सर्वाइव करना, और बहुत डिफ़िकल्ट भी है,
बहुत इजी है तो बहुत डिफ़िकल्ट है भाई साहब, मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, आँख के सामने अंधेरा छाया हुआ है, ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑप्शन ऑप्शन होने के बावजूद भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए कुछ सजेशन दे सकते हो तो सजेस्ट करना, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना और मुझे कॉल करके थोड़ा सा सजेशन दो कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा भाई सब, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आँख के सामने अंधेरा छा रहा है। बताओ भाई साहब क्या करूँ मैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा हेल्प कर दो।